नमस्कार, कृषि भाई मंडी अपडेट्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और चलिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की मंडियों में 2 दिसंबर को क्या रहे फसलों के दाम। शुरुआत करते हैं धान से। गाजियाबाद की मंडी में धान के दाम थे 3500 रुपये, चिड़गांव की मंडी में थे 3450 रुपये, दादरी की मंडी में थे 3401 रुपये, मवाना की मंडी में थे 3300 रुपये और बंदा की मंडी में थे 3200 रुपये। मक्के की बात करें तो जौनपुर की मंडी में मक्के के दाम थे 1925 रुपये, गोरखपुर की मंडी में थे 1885 रुपये, गाजियाबाद की मंडी में थे 1870 रुपये, कानपुर देहात की मंडी में थे 1870 रुपये और ललितपुर की मंडी में भी थे 1870 रुपये। बात करते हैं गेहूं की। खुर्जा की मंडी में गेहूं के दाम थे 2000 रुपये, बुलंदशहर की मंडी में थे 1998 रुपये, कोशीकाला की मंडी में थे 1984 रुपये, आजमगढ़ की मंडी में थे 1845 रुपये। बात करते हैं उड़द की। तो चंदौली की मंडी में उड़द के दाम थे 8125 रुपये, गाजियाबाद की मंडी गाजीपुर की मंडी में थे 8100 रुपये, आगरा की मंडी में थे 8070 रुपये। मूंग के दामों की बात की जाए तो मेरठ की मंडी में मूंग के दाम थे 7880 रुपये, शावली की मंडी में थे 7870 रुपये, दादरी की मंडी में थे 7850 रुपये, मुजफ्फरनगर की मंडी में थे 7850 रुपये। चलिए अब बात करते हैं चने की। तो गाजियाबाद की मंडी में चने के दाम थे 6400 रुपये, गोड्डा की मंडी में थे 6055 रुपये, दादरी की मंडी में थे 6000 रुपये, मेरठ की मंडी में थे 5980 रुपये, मवाना की मंडी में थे 5970 रुपये। बात करते हैं लहसुन की। तो ललितपुर की मंडी में लहसुन के दाम थे 6500 रुपये, पलिया कलन की मंडी में थे 6340 रुपये, मुगलगंज की मंडी में थे 6330 रुपये और लखीमपुर की मंडी में थे 6300 रुपये। प्याज के दामों की बात की जाए तो कोशीकला की मंडी में प्याज के दाम थे 2600 रुपये, फतेहपुर सीकरी की मंडी में थे 2510 रुपये, मऊरानी की मंडी में थे 2475 रुपये, गिरोर की मंडी में थे 2470 रुपये, आगरा की मंडी में थे 2450 रुपये। बात करते हैं बाजरे की। खुर्जा की मंडी में बाजरे के दाम थे 1730 रुपये, कोशीकला की मंडी में थे 1640 रुपये, कानपुर की मंडी में थे 1620 रुपये, कानपुर देहात की मंडी में थे 1620 रुपये, चौबेपुर की मंडी में थे 1600 रुपये। बात करते हैं सरसों की। तो कानपुर देहात की मंडी में सरसों के दाम थे 7700 रुपये, जीजक की मंडी में थे 7700 रुपये, कानपुर की मंडी में थे 7650 रुपये। अब बात करते हैं टमाटर की। तो सफदरगंज की मंडी में टमाटर के दाम थे 3950 रुपये, बाराबंकी की मंडी में थे 3920 रुपये, मुगलगंज की मंडी में थे 3920 रुपये और पलिया कला की मंडी में थे 3920 रुपये, बहराइच की मंडी में थे 3910 रुपये। किसान भाइयों, कृषि भाई खेती समाचार। किसान भाइयों, तो ये थे आज के उत्तर प्रदेश के कुछ मंडी अपडेट्स। इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए कृषि भाई के साथ। धन्यवाद।